एवरीवन, आई एम ललिता धाकड़ एंड यू आर वॉचिंग ललिताज इंग्लिश क्लासेस। आज हम सीखेंगे एक बार फिर से डेली यूज होने वाले इंग्लिश के ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जिनकी अगर आप बार बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। लेकिन लास्ट में एक क्विज रहेगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में करना है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं जो है रास्ता आगे बंद है या आगे रास्ता बंद है। इसको इंग्लिश में कहेंगे डेड एंड अहेड, डेड एंड अहेड। वाक्य है वो है हिलो मत। बच्चों को तो आपने जरूर बोला होगा वो इधर उधर दौड़ते हैं तो हम कहते हैं हिलना मत या हिलो मत। इसको आपको इंग्लिश में कहना है डोंट मूव, डोंट मूव। नेक्स्ट सेंटेंस है कृपया अपना परिचय दें। ये सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा यूज़ हम करते हैं, तब आपको इंग्लिश में कहना है प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है हम आपके आभारी हैं, वी आर ग्रेटफुल टू यू, वी आर ग्रेटफुल टू यू। वाक्य है वो है मेरे फ़ोन पर स्क्रैच पड़ गया है। इसको इंग्लिश में कहना है आपको माई फोन हैज़ गॉट अ स्क्रैच, माई फोन हैज़ गॉट अ स्क्रैच। नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पीछे पीछे मत दोहराओ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आप डोंट रिपीट आफ्टर मी, डोंट रिपीट आफ्टर मी। अगला जो वाक्य वो आपने कभी ना कभी बोला ही होगा, जब हम पार्टी करने जाते हैं बाहर तो हमें किसी को भी अगर कहना हो कि पार्टी मेरी तरफ से है तो आपको ऐसा कहना है द पार्टी इज ऑन मी, द पार्टी इज ऑन मी। आपने वीडियो ध्यान से पूरा देखा है तो आइए अब आपके लिए एक क्विज है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सेंटेंस जो मैंने बताया था वो है कृपया अपना परिचय दें। ये जो सेंटेंस है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है बिल्कुल सही, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।